एक ओर जहां न्याय की उम्मीद लेकर आम जनता तहसील कार्यालय पहुंचते हैं कि यहां हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जब न्याय मिलने की जगह अपमान मिलना शुरू हो जाए तो उस न्याय के मंदिर पर से जनता का भरोसा टूटने लगता है। ऐसा ही मामला सिराली तहसील का सामने आया है। सिराली के समीपस्थ ग्राम धनकार की कृषक अनीता पति शंकरलाल सोनी जब अपने हिस्से की भूमि को सास द्वारा बेचने का कवायद शुरू की गई तो उसे बचाने के लिए अनीता सोनी विगत 15 दिनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है कि किसी तरह मेरी भूमि बच जाए, जिससे वह अपनी 3 नाबालिग बेटियों को पालने में मुझे आसानी हो। लेकिन 15 दिन से चक्कर काटने के बाद भी तहसीलदार महोदय ने उस परेशान महिला की फाइल तक लेना स्वीकार नहीं किया और ऊपर से उसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर भगा दिया। महिला ने बताया कि फिर भी मैं बार बार न्यायालय में गुहार लगाने तहसीलदार साहब के पास जाकर लगाती रही, लेकिन उसके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि तहसील कार्यालय के अंदर मत दिखना वरना पुलिस को बुलाकर जेल भेज दूंगा। जब परेशान महिला अनीता सोनी तहसीलदार से बार बार निवेदन करने लगी कि साहब अगर आप न्याय नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगी, इससे क्रोधित होकर अनीता सोनी का कहना है कि तहसीलदार महोदय ने मुझे गाली तक दे दी, अब मैं कहां जाऊं। परेशान होकर अनीता सोनी खिड़किया एसडीएम के पास जाकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची। अनीता सोनी का कहना है कि अगर मुझे एसडीएम के यहां भी न्याय नहीं मिला तो मैं कलेक्टर महोदय से शिकायत करने जाऊंगी, जिससे कि मुझे न्याय मिल सके। उठाया मुंह और चली आती है। इसी तरह नाम नहीं बताने की शर्त पर सिराली की एक महिला ने बताया कि मैं बेवा महिला हूँ, मैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किंतु किन्हीं कारणों से मुझे शासन की योजना अंतर्गत गल्ला पर्ची से राशन नहीं मिल पा रहा है। जिसकी गुहार लेकर मैं तहसील कार्यालय पहुंची थी, वहां तहसीलदार महोदय ने अपनी बात सुनकर जिस पर बे आग बबूला होकर कहने लगे, तहसील कार्यालय के बाहर निकल जाओ, उठाया मुंह और यहां पर चली आती हो, यहाँ कोई खैरात बटती है क्या, ऐसे अपमानित शब्द सुनकर मैं वापस लौट आई, किंतु अपने आप में अपमानित समझ रही हूँ, किंतु बड़े अधिकारी होने से के नाते मैं कुछ बोल नहीं सकी। पर ऐसा असभ्य अधिकारी को हटाना चाहिए जिससे आम जनता का काम हो सके, उन्हें न्याय मिल सके। सूत्र बताते हैं कि यह मामला काफी नहीं है, और भी कई मामले तहसीलदार महोदय के सामने आए हैं। जब कोई आवेदन करता है, हस्तलिखित आवेदन लेकर तहसील पहुँचता है तो उन्हें भी धुतकार का सामना करना पड़ता है और कहा जाता है कि आवेदन प्रिंट कराकर लाओ। कई बार मजबूरी में हस्तलिखित आवेदन देना पड़ता है, किंतु वह स्वीकार नहीं किए जाते, जिससे क्षेत्र के लोग काफी परेशान है और तहसीलदार महोदय की कार्यप्रणाली से क्षेत्र में आक्रोश है। सिराली से संभू की रिपोर्ट। नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? नहीं, न्याय नहीं मिला तो क्या करोगे? अपन अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। कब्जा नहीं छोड़ोगे? तहसीलदार साहब ने अच्छे से बोला कि अब मत आना है कि